जय हिंद दोस्तों, संदीप जी सब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय जीए के जो क्लास है, जीए के अंतर्गत वर्तमान समय में जो घटनाएं हैं इसके साथ साथ उससे संबंधित ऐसे तथ्य जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं आज है 27 जून और 27 जून को मनाया जाता है MSME दिवस, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस मनाया जाता है 27 जून को। तो MSME दिवस मनाने की शुरुआत 2018 में हुई, यानी 2018 से हर साल 27 जून को MSME दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2017 में इसकी घोषणा की गई थी, UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2017 में इसकी घोषणा की गई। अभी 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में आप जानते हैं कि जो मंत्रिपरिषद का गठन किया गया इसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इस समय MSME मंत्री बनाए गए हैं। अभी हाल ही में 26 और 27 जून 2024 को लखनऊ में 2 दिवसीय MSME सम्मेलन का आयोजन किया गया और जो MSME मंत्री हैं श्री जीतन राम मांझी उनके द्वारा नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उसका नाम है उद्यमी डे, MSME डे कार्यक्रम। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस साल 2024 में जो MSME दिवस मनाया गया उसकी थीम थी कई संकटों के समय में सतत विकास को गति देने और गरीबी को मिटाने के लिए सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों की शक्ति, शांति व लचीलेपन का लाभ उठाना। तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा उद्योग है वो हथकरघा उद्योग है, जो MSME के अंतर्गत ही आती है। 2015 में PM मुद्रा योजना की शुरुआत इसीलिए की गई थी जिससे MSME सेक्टर में जो भी वित्त संबंधी समस्याएं आती हैं उसको दूर किया जा सके। भारत में अगर हम MSME की बात करें तो इस क्षेत्र में अगर देखा गया तो पहला कदम आज़ादी के बाद ही लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना 1954 में की गई, यानी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद लघु उद्योग व कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की स्थापना 1999 में की गई थी। इसके बाद सितंबर 2001 में लघु उद्योग मंत्रालय को अलग कर दिया गया और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय को अलग कर दिया गया, यानी दो अलग अलग मंत्रालय बना दिए गए। MSME मंत्रालय, इसके स्थापना 9 मई 2007 को की गई थी। उस समय UPA की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। MSME अधिनियम 2006 में लाया गया था। MSME क्षेत्र में अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण जो बैंक है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसको SID भी कहते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में की गई। और सबसे ज़्यादा प्रश्न ये बनता है कि क्योंकि ज़्यादातर जो वित्तीय एजेंसियां हैं उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, लेकिन SID भी एक ऐसी बैंक है जिसका हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, यानी उत्तर भारत में है। इसलिए इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि SID भी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो लखनऊ में इसका मुख्यालय है। आगे हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि 18वीं लोकसभा का चुनाव अभी संपन्न हुआ और इस अवसर पर
आपने देखा कि सभी जो सदस्य थे उनको प्रोटेम स्पीकर के द्वारा उनको शपथ दिलाई गई। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ। लोकसभा अध्यक्ष में पहली बार ऐसा हुआ है कि जहां पर एनडीए का एक उम्मीदवार था और एक इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार था। एनडीए क्योंकि बहुमत में है, इसलिए जो पिछले 5 साल लोकसभा के अध्यक्ष थे ओम बिरला, वो पुनः एक बार लोकसभा के अध्यक्ष बन गए हैं। इसी के साथ लोकसभा में विपक्ष का जो नेता है उनका भी चयन कर लिया गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी बने हैं। जैसा कि आप जानते हैं 2014 के बाद लोकसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं था, क्योंकि लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम विपक्षी पार्टी के पास कुल सीट का 10% सीट होना आवश्यक है। 10% का मतलब है अगर लोकसभा में 543 सीट है उसका 10% यानी कम से कम 55 सीट किसी भी पार्टी के पास होगी, उसी को ही विपक्ष का नेता बनाया जाएगा। विपक्ष का नेता, ध्यान देना, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि आया संवैधानिक पद है कि नहीं है, तो विपक्ष का नेता संवैधानिक पद नहीं है। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इसका कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन 1977 में एक अधिनियम बनाया गया जिसके तहत विपक्ष के नेता को विशेष महत्व दिया गया और एक शक्तिशाली बनाया गया। वर्तमान समय में विपक्ष का नेता जो होता है वो केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय में जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उसके बराबर उसको शक्ति प्रदान की जाती है और उसके बराबर उसको वेतन दिया जाता है। इसके साथ साथ जो लोक लेखा समिति होती है उसका अध्यक्ष भी विपक्ष का नेता होता है। सीबीआई के डायरेक्टर, निर्वाचन आयोगों की नियुक्ति और जो अन्य प्रमुख संवैधानिक पदों के जो पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति जब की जाती है तो उसमें विपक्ष का नेता होना अति आवश्यक है। तो भारत में जब विपक्ष के नेता की व्यवस्था की गई तो सबसे पहले विपक्ष लोकसभा में विपक्ष का नेता राम सुभग सिंह को बनाया गया, जबकि राज्यसभा में विपक्ष का नेता श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा को बनाया गया। तो 2014 से लेकर 2024 तक किसी भी पार्टी के पास 10% सीट नहीं थी, इसलिए उसको विपक्ष का नेता बनाने का यानी विपक्ष के नेता का कोई दर्जा नहीं दिया गया था। CBG यानी संपीड़ित बायोगैस, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार CBG यानी संपीड़ित बायोगैस के उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पर हो गया है, यानी सबसे ज़्यादा संपीड़ित बायोगैस का उत्पादन उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जा रहा है। नई दिल्ली, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शर्करा संगठन यानी इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी 64वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। तो ध्यान देना, ये जो बैठक होती है एक साल में 3 बार ये बैठक होती है और 2024 में इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय शर्करा संगठन यानी ISO की स्थापना 1968 में की गई, 1968 में इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर लंदन में स्थित है और इसमें वर्तमान समय में 85 सदस्य देश हैं। 2024 में जब ISO की बैठक शुरू हुई तो पहली बैठक उत्तर प्रदेश का ज़िला है मुजफ्फरनगर, वहां पर हुई थी। आप जानते हैं वहीं पर खतौली है जो एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य बनने वाला जो देश है वो पराग्वे है। पराग्वे दक्षिण अमेरिका का एक देश है। तो आप लोग
एक कमेंट करके बताएंगे कि पराग्वे की राजधानी क्या है। विश्व बैंक रिपोर्ट, अभी हाल ही में विश्व बैंक जो कि 1945 में स्थापित की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, उसकी एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है जिसमें 2023 में कौन सा देश सबसे ज़्यादा दूसरे देशों की इनकम को प्राप्त किया है इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो भारत सबसे ज़्यादा विदेशी जो प्रेक्षण है वो प्राप्त किया है, विदेशों से जो पैसा है सबसे ज़्यादा भारत के पास आया। दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर फिलीपींस और चौथे स्थान पर पाकिस्तान रहा। अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत के पास जो सबसे ज़्यादा पैसा आया कहाँ से, तो भारत में सबसे ज़्यादा जो विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है वो अमेरिका से प्राप्त हुई है, जबकि दूसरा देश रहा है यूएई। एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि भारत के जो नागरिक हैं वो सबसे ज़्यादा यूएई में रहते हैं, यानी सबसे ज़्यादा प्रवासी भारतीय संयुक्त अरब अमीरात यूएई में ही रहते हैं। शत्रु एजेंट सहयोग कानून अभी हाल ही में चर्चा में रहा और यह कानून जम्मू कश्मीर में लागू किया गया था 1917 में पहली बार इसका प्रयोग किया गया था। शत्रु देशों की अगर सहायता कर रहे हैं तो किस प्रकार की सजा दी जाएगी, इसका इसमें प्रावधान किया गया है। इसमें बहुत ही कड़ा कानून लागू है। तो अभी हाल ही में आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में आतंकवादी हमला हुआ। आतंकवादियों ने जो तीर्थ यात्री थे उस पर गोलियों की बौछार की और बाद में ऐसा पता चला कि इन आतंकवादियों को एक स्थानीय व्यक्ति ने ही 6,000 रुपये की लालच में अपने घर में पनाह दी थी। तो उनको किस प्रकार सजा दी जाएगी, इसका उल्लेख शत्रु एजेंट सहयोग कानून में है। अभी हाल ही में केरल की राजधानी, केरल का जो प्रमुख शहर है कोच्ची, यहाँ पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, इसकी शुरुआत 1991 में हो गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसके बाद 1992 में जब पहला शिखर सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में, उस समय ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का पुनर्गठन कर दिया गया। अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है, क्योंकि GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की 67वीं बैठक का आयोजन इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी वहां पर किया गया। तो यह संगठन इन्वायरमेंट के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले संस्थाओं को वित्त मुहैया उपलब्ध कराती है। इस संगठन में जो सबसे ज़्यादा पैसा लगाने वाला संस्था है वो विश्व बैंक है। हंसा मेहता बहुत ही फेमस महिला थी। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कूटनीति में महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 24 जून को सम्मानित किया गया। हंसा मेहता एक प्रसिद्ध शिक्षिका थी, साथ ही साथ एक प्रसिद्ध लेखिका भी थी और इन्होंने, यानी हंसा मेहता का संबंध महात्मा गांधी के साथ था। भारत की आज़ादी की लड़ाई में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके साथ साथ जब संविधान सभा का गठन किया गया तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, संविधान सभा में 389 सदस्यों में 15 सदस्य महिलाएं थीं, उस 15 में एक हंसा मेहता भी थीं। हंसा मेहता को 1959 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा खरीफ फसलों की MSP जारी की गई, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो इसमें धान का जो रेट है जो 2183 रुपये था,
117 रुपये बढ़ाकर 2300 कर दिया गया है। ये सामान्य धान है। ग्रेड ए धान जो 2203 रुपये था वो 2320 रुपये कर दिया गया है, इसमें भी 117 रुपये की वृद्धि की गई है। बाजरा 2500 रुपये, इसे बढ़ाकर 2625 रुपये, 125 रुपये की वृद्धि की गई है। रागी जो 3846 रुपये में थी, इसे बढ़ाकर 4290 रुपये कर दिया गया है, इसमें इसका जो रेट है 444 रुपये बढ़ाया गया है। अरहर या जिसे कई क्षेत्रों में तुअर कहते हैं, ये पहले 7000 रुपये इसका रेट था, अब इसे 7550 रुपये कर दिया गया है और 550 रुपये की वृद्धि की गई है। मूंग जो पहले 8558 रुपये थी, उसे बढ़ाकर 8682 रुपये कर दिया गया और 124 रुपये की वृद्धि की गई है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, आप जानते हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी, उसके सिफारिश पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा ये जारी किया जाता है। तो आज बस यहीं तक, कल पुनः हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।